कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ धड़क कामगार यूनियन लीडर अभिजीत राणे का विराट मोर्चा। पनवेल में कुकुयू कैम्बलिन नामक कंपनी में कुछ दिन पहले हुए यूनियन वर्कर्स पर हमले की कड़ी निंदा करते हुए धड़क कामगार यूनियन लीडर अभिजीत राणे जी ने शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल आज कंपनी में यूनियन की बोर्ड ओपनिंग की, लेकिन कंपनी के गेट के बाहर कॉन्ट्रैक्टर ने गांव के लोगों को भड़काकर विरोध प्रदर्शन किया और यूनियन के लोगों को कंपनी के अंदर जाने से रोका। जबकि धड़क कामगार यूनियन के पास आज के बोर्ड के ओपनिंग से रिलेटेड सभी परमिशन थे। लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में न लेते हुए अभिजीत राणे जी ने बोर्ड ओपनिंग को फिलहाल कैंसिल कर दिया। अभिजीत राणे जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कॉन्ट्रैक्टर वर्कर को सही पगार, सही सैलरी नहीं दे रहे हैं। 8,000 से 9,000 तनख्वाह मिलनी चाहिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस होने के कारण उन्हें सिर्फ 6,000 रुपये ही दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही कम है। रायगढ़ के परिसर में करीब 5,000 वर्कर्स धड़क कामगार यूनियन से जुड़े हुए हैं। कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स ने धड़क कामगार यूनियन के लीडर अभिजीत राणे जी से इंसाफ की गुहार लगाई और अपने हक की इस लड़ाई में अभिजीत राणे जी का साथ देने के लिए अपील की। लगभग 6 महीने से रसायनी परिसर में धड़क कामगार यूनियन की घोड़ दौड़ बहुत तेजी से चल रही है। ये परिसर के लगभग 5,000 से अधिक कामगार हमारे यूनियन से जुड़े हुए हैं। मैं आज यहाँ पर कुकुयू कैम्बलिन नामक एक कंपनी में यूनियन का बोर्ड ओपनिंग था, जहाँ पर ये बोर्ड ओपनिंग ठीक 10 दिन पहले ऑर्गेनाइज किया था, मगर ये गांव के कुछ समाज कंठकों ने हमारे यूनियन के और हमारे वर्कर्स के ऊपर एक हल्ला किया, जिसमें वर्कर्स बुरी तरीके से जख्मी हुए। और आज हमने ये गेट मीटिंग यहाँ पर आयोजित की थी, जिसमें हमें यहाँ पर गांव के गेट पर गांव के स्थानिक गुंडे, गांव के स्थानिक लोग, जिनका कंपनी मैनेजमेंट के साथ में साठगांठ है, वो कंपनी मैनेजमेंट के साथ में उन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट है, और वो उस वजह से यहाँ पर जो वर्कर्स हमारे साथ जुड़े हैं उनको मिनिमम वेजेस नहीं मिल रहे। आज उनका पगार सिर्फ 6,000 रुपया है, कानूनी उनको 9,000-10,000 मिलना चाहिए। ये कॉन्ट्रैक्टर्स इस वर्कर्स लोगों का शोषण कर रहे हैं। हे सगळेच कॉन्ट्रैक्टर्स जे या ठिकाणी कॉन्ट्रैक्टर म्हणून काम करतात, या कामगारांचे मालक म्हणून काम करतात, ते सगळे या सगळ्या कामगारांचं शोषण करतात असा माझा दावा आहे। आणि या ठिकाणी माझं सगळ्या गावकऱ्यांना अपील आहे की ही लढाई तुमच्या गावकऱ्यांच्या विरोधात नसून ही तुमची येणारी जी पुढची पिढी आहे त्या पिढीला आपल्याला योग्य मार्गदर्शन देणं हे आपलं काम आहे। या ठिकाणी त्यांचे हक्क आहेत, ते हक्क आपल्याला मिळून द्यायचे आहेत, म्हणून ही लढाई आहे। आणि चळवळीत काम करत असताना असे विरोध होत असतात, त्या विरोधाला आम्ही घाबरत नाही। पण या ठिकाणचं पोलीस प्रशासन यांनी आपल्याला विनंती केली की या ठिकाणी लॉ अँड ऑर्डरचा विषय होईल। धडक कामगार युनियन कायदा हातात घेत नाही आणि त्यामुळे आपण पोलिसांना पूर्णपणे या ठिकाणी सहकार्य करतोय। महाराष्ट्रात जवळपास 5-5.5 लाख कामगारांची नेतृत्व करणारी ही युनियन आहे। मला विश्वास आहे महाराष्ट्र शासन आपल्याला निश्चितपणे याच्यामध्ये न्याय देईल। या ठिकाणी या सर्व 80 कामगारांना येणाऱ्या काळामध्ये मी न्याय देईन अशी या ठिकाणी या 80 कामगारांना मी या ठिकाणी अपील करतो की आपल्याला या ठिकाणी आज पुढे जाता आलेलं नाही, पण येणाऱ्या काळामध्ये पूर्ण परमिशन सहित फार थाटामध्ये आपण तिकडे जाऊ असा विश्वास देतो। आणि या ठिकाणी जी काही सिंडिकेट चाललेली आहे, कॉन्ट्रॅक्टरची सिंडिकेट, ती कॉन्ट्रॅक्टरची सिंडिकेट मोडून काढण्यामध्ये स्थानिक लोक आपल्या बरोबर येतील असा विश्वास या ठिकाणी तुम्हाला सगळ्यांना मी देतो। एवढंच सांगीन की आज ही लढाई इकडून सुरू झालेली आहे, येणाऱ्या काळामध्ये ही लढाई अजून तीव्र होईल। कायदा न हातात घेता कायदेशीर पद्धतीने आपण ही पुढे लढाई चालू ठेवू असं आपल्या सगळ्यांना मी जाहीर करतो। आणि आजचा हे इकडचं गेट मीटिंग या ठिकाणी अधिकृतरित्या रद्द करण्यात आलेलं आहे अशी घोषणा करतो। माझ्या बरोबर आलेल्या सर्वच कार्यकर्त्यांना मी विनंती करतो, आपल्याला पुढच्या कार्यक्रमाला जायचंय, आपण सगळे गाडीत बसून घ्या,
कुठच्याही प्रकारे कायदा व सुव्यवस्थेला आपल्याला कुठेही त्रास द्यायचा नाही, त्यामुळे आपण सगळे जसे आला तसे गाडीत मध्ये बसा आणि आपल्याला परत दुसऱ्या कार्यक्रमाकरता जायचं.